हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं पता नहीं किसी भी चीज के बारे में, बट आज हमारे साथ है एक 1933 कैलोरीज का शेक। इसमें 59 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 256 ग्राम ऑफ कार्ब्स एंड फैट में देखना भूल गया। तो हाँ, बिकॉज मैं बहुत टाइम तक बीमार था एंड आई एम गेनिंग अगेन, तो मैं जितनी जल्दी और जितने अच्छे से कार्ब लोडिंग कर पाऊँ उस पर ध्यान दे रहा हूँ। मेरा प्रोटीन इंटेक अभी 150-180 ग्राम्स रह रहा है, बट कार्ब्स लोड मैं कर रहा हूँ 350-400 ग्राम तक। वी विल पुश इट टू 600 ग्राम्स एज वेल बिफोर ओल्ड एज। तो अभी मैंने अपना एम ऐसे कर लिया है कि 10 दिन तक मैं स्ट्रिक्ट बल्क करने वाला हूँ और फिर एक दो दिन रेस्ट करूंगा, ताकि मेरे को जो बोरियत आ जाती है खाना खाते खाते सेम वो हट जाए। और आई हैव गॉट बेटर नाउ। मैं 82 जो मैं बीमार होने के बाद था, सीधा मैं आ चुका हूँ 89-90 केजी के पास, और मेरे आर्म्स भाई बहुत बेटर हो चुके हैं। ठीक है, सो आज सम थिंग्स हैव हैपेंड जब से मैंने वो डेली वीडियो अपलोड करना छोड़ा है। मैं अपनी वीडियोस में डेली कहता था कि भाई अगर बिगिनर हो, नए आए हो जिम में, तो बहुत एस्थेटिक्स के पीछे मत भागो। अभी तुम्हें गेन करना चाहिए तुम्हारी मसल, और टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा अच्छा रहता है स्टेज पे, बट नो वन गिव्स अ फक। भाई मैं कहते रहा कि भाई एस्थेटिक्स के पीछे मत भागो, इस टाइम इस एज पे जितना तुम मसल पुट ऑन कर सकते हो उस पर ध्यान दो। मैं 4 महीने बाद एक इन्फ्लुएंसर ने क्या कह दी बात, भाई सब लोगों ने मान लिया, भाई अब तो बड़े इन्फ्लुएंसर ने बोला है सही कह रहा होगा। और भाई यूट्यूब के एल्गोरिथम से भी मेरी दुश्मनी है भाई। भाई मेरी वीडियो को तो कभी इन्होंने वैंक रिकमेंड ही नहीं करा, जबकि मैं आई एम अहेड ऑफ टाइम। आई नो मैं इतनी बड़ी बड़ी मील्स खा रहा था, सब लोग कह रहे थे कि भाई बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, इतनी बड़ी मील्स मत खा। कोई बात नहीं, कुछ महीने बाद खुद ही रिपोर्ट आ गई और उसमें क्या आया कि वी कैन डाइजेस्ट बिग मील्स एज वेल। वो भी भाई इन्फ्लुएंसर ने बना दी, एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंच गई। भाई जितने लोग भाई करके एक्सपीरियंस से बता रहे हैं उनकी तो भाई चली नहीं रही। लेट्स गो भाई, लेट्स गो भाई। तुम लोग सुनते हो 5'2" के बॉडी बिल्डर को, जिन्हें जब मैं सामने देखता हूँ ना मैं सोच रहा होता हूँ भाई इज ही अ न्यूबी। बट ठीक है भाई, एक दिन भाई आई विल बी लाइक माइक मेंजर ऑफ दिस वर्ल्ड। भाई नॉट माइक मेंजर भाई, वो तो कुछ ज्यादा ही, मतलब मुझे ना ऐसे ट्रीटमेंट मिलती है कि भाई गूगल ने साफ साफ एक सीन बना रखा है कि हाँ चाहे कुछ हो जाए इसकी वीडियो रिकमेंड नहीं करने वाले हम। और मैं भी भाई क्या करूँ, मैं कुछ ना कुछ नया ढूंढ रहा हूँ कि ताकि आई कैन मेक बेटर कॉन्टेंट। बट वो अंकित बयानपुरिया के तरह जो सब लोग अपना वॉइस ओवर कर रहे हैं वीडियो के पीछे, वो इतना मुझे अजीब और बोरिंग लगता है ना, पता नहीं कैसे लोग देख रहे हैं। एक तो तुम्हारा ये जो वॉचिंग स्पैन जो खत्म हो चुका है ना, मुझे लग रहा है कि अगर 5 बंदे अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मुश्किल से एक को यहां तक पहुंचा होगा, वो मम्मी होगी, क्योंकि तुम लोग देख ही नहीं पाते हो 30 सेकंड से बड़ी वीडियो। तो भाई इसको मैं डिवोर करूंगा आज, ठीक है, और फिर हम जाएंगे सीधा जिम। मैं ट्राई करता हूँ जिम से पहले मैं एक अच्छा हाई कैलोरी शेक ले लूं, क्योंकि मैं उठता हूँ भाई कभी भी, जैसे आज मैं उठाऊँ 12 बजे और मुझे जिम जाना 4 बजे। अब मैं अगर एक मील खाने बैठूंगा उसे डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, बट मुझे पता है ये 1 लीटर हप्सी शेक मुझे बढ़िया डाइजेस्ट भी हो जाएगा, और मैं एक ब्रेड और खा सकता हूँ पीनट बटर के साथ बिफोर जिम, या मैं ड्राई फ्रूट्स खा लूंगा, देखते हैं। इसका हम टेस्ट करेंगे, थिकनेस टेस्ट, ठीक है। ठीक है भाई, ये बहुत गाढ़ा है। बहुत ज्यादा ठीक है भाई, मतलब मुझे खाना पड़ रहा। इसमें 160 ग्राम ओट्स, 90 ग्राम पीनट बटर, 670 ml मिल्क और 296 ग्राम ऑफ बनाना। बस अभी मैं सप्लीमेंट्स है ना बिल्कुल धूर तो नहीं हो चुका हूँ, बट आई हैव दैट विल कि मैं अगर अच्छा कंटेंट बनाऊंगा तो मुझे चीज फ्री में ही मिल सकती है, तो मैं उस चीज में पैसे क्यों खर्च करूं, है कि नहीं। तो हम पैसे सिर्फ खर्च करने वाले पीनट बटर पे, बिकॉज दैट्स माई फेवरेट सप्लीमेंट, सप्लीमेंट कह सकते हैं उसे। पीनट बटर से बढ़िया चीज मुझे नहीं लगती भाई, जो कैलोरीज मुझे पीनट बटर से मिलती है ना और जो स्वाद मिलता है खतरनाक भाई। आज नहीं मानेगा कोई, 4 महीने बाद मानेगा कोई ना कोई बड़ा आदमी, कह देगा भाई पीनट बटर खाओ उसमें बहुत अच्छी कैलोरी होती है। हैं पीनट बटर की नॉर्मल सर्विंग तो भाई बिल्कुल छोटी सी चम्मच में डालो, और मैं डालता 90 ग्राम की एक चम्मच। भाई तुम लोग एक दिन मानोगे, फिर तुम भी लोगे 2.5 किलो का पीनट बटर, अभी तो कोई सुनेगा नहीं।
आज हम जिम में करने वाले हैं बैक, सॉरी बैक कह रहा हूं, डेडलिफ्ट, बेंच, शोल्डर, आर्म्स। डेडलिफ्ट के मेरे दो सेट रहेंगे मेन, बेंच का आई थिंक सो क्या सीन है आज देखते हैं, और शोल्डर के मैं दो मूवमेंट करूंगा, ज्यादा देर काम है नहीं, और आर्म्स। मैं अभी अपने आप को ऐसे ट्रेन कर रहा हूँ ताकि मैं रिकवर भी अच्छे से हो पाऊँ, और जिस दिन मेरा वर्किंग डे है जब मैं जिम जा रहा हूँ तो उस दिन मैं स्ट्रेंथ भी अच्छी पुट ऑन कर पाऊँ। ये ना हो कि मैं नींद नींद में फील कर रहा हूँ या वो दिन बर्बाद चले जाए। मैं मंडे को जिम गया, मैंने स्क्वाट और बेंच करी, दोनों बहुत तगड़ी गई। मैंने उसके बाद एक्सेसरीज खरीदी थी बहुत कम, और मैं घर आ गया। कल मेरे को जिम जाने का फायदा लगा नहीं, तो कल वैसे भी शोल्डर और शोल्डर ही करने थे मेरे को, तो मैं सोचा मैं अगले दिन डाल दूंगा। कल मैं रेस्ट लिया, अब आज मैं सब करके आऊंगा। अगर मुझे शाम को लगता है कि मुझे कल जाने की नीड नहीं है तो मैं अगले दिन बैक ट्रेन कर लूंगा। बट मेरा मेन फोकस ये है कि मैं पहले वाली स्ट्रेंथ लेके आऊँ इन अ गुड वे, और मैं अपने अराउंड 90-85% की स्ट्रेंथ में वापस रिकवर कर चुका हूँ एट अ लोअर बॉडी वेट। तो जब मैं वापस 97 kg का आऊंगा तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं। और इस बार हम बहुत तगड़ा वर्क करने वाले हैं, और मैं इस बार मजाक नहीं कर रहा क्योंकि आई हैव गोल्स, आई हैव पीपल हु लुक अप ऑन मी। अब मैं मजाक मस्ती नहीं कर सकता भाई कि भाई मैं बल्क कर रहा हूँ, बल्क के नाम पे क्या कर रहा हूँ, बस बल्क लिख रहा हूँ। बट वी आर ड्रिंकिंग, ठीक है भाई, बहुत बकवास कर दी 6 मिनट तो मैंने ही बकवास कर दी। मुझे पक्का पता है कि भाई अगर 10 बंदे आए हैं तो यहाँ पे मम्मी बची होगी, अब मम्मी जिम की वीडियो देखना, ठीक है वही देखना। प्लीज भाई लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो भाई। सो हाँ, देयर आर टू वेज टू हैव द बेस्ट वर्कआउट ऑफ योर लाइफ, आइदर यू गो टू द जिम एंड डू नथिंग, और इज यू जस्ट फिल द ग्लास विद कैफीन एंड बेटा लाइन, ठीक है। इन माई ओपिनियन मैं बहुत कम टाइम के लिए कैफीन लेता हूँ, मतलब ऐसा भी हो जाता है कि मैं भूल चुका होता हूँ कि मैंने प्री वर्कआउट ऐसा कभी लिया था कि भी नहीं लिया था। तो हाँ, मैं कोई जंकी नहीं हूँ कि बिना कैफीन प्री वर्कआउट के वर्कआउट ना हो, बट टू हैव द बेस्ट वर्कआउट ऑफ माई लाइफ आई एम गोना टेक टुडे 1 scoop ऑफ बेटा एलनाइन, 2 scoop ऑफ बेटा एलनाइन, बट इफ यू डू 3, नहीं आज इतना कुछ खास है भी। व्हाट अबाउट द कैफीन भाई, ये कैफीन बहुत 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 तगड़ा है, बट इसकी एक कमी है, जिस थोड़ा पत्थर बन चुका है, इसको हमें ऐसे ही डाल देते हैं। देख लो भाई, 1 scoop 250 mg का होता है, वो इतना सा स्कूप होता है, तो भगवान जाने कितना आने वाला है। अगर मैं कल सुबह उठ गया तो ये वीडियो आ जाएगी। Let's go. जय श्री राम इन द कमेंट्स टू बी अलाइव, ठीक है। पानी भरते हैं, ये सबसे कड़वा, मतलब जो कैफीन का फ्लेवर है बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। जैसे कहते हैं ना, बेटल नहीं ना, कोई फ्लेवर होता नहीं है। बस ये है, जिम पहुँचते पहुँचते जो मैं खुजली में हूँ ना, ऐस वो गर्मी बहुत है भाई। अबे भाई, एक तो ये ब्लॉगिंग नहीं होती मुझसे, ये क्या था भाई। तो हाँ, आज लेना है हमें डेडलिफ्ट का एक सिंगल, जो कि मैं 2 हफ्ते से पहले वाले हफ्ते पे ले चुका था 170 का एक रेप, और उसके अगले हफ्ते मैंने 2 या 3 बार ही फेल करा, और इस बार मैंने अच्छा खासा ठूस लगा था, आई एम एमिंग फॉर 2 reps, क्योंकि मैं रिकवर कर रहा हूँ। ये वेट पे मैं 6 से 8 rep ले रखे, तो थोड़ा सा मेंटल वो होता है ना कि यार भाई व्हाट द फक भाई, ये क्या हो रहा है भाई। इस वेट को तो मैं ऐसे समझता था कि भाई ये तो मोटी आंटी है जिन्हें मैं उठा के साइड में रख सकता हूँ, पर वो मोटी आंटी अब मोटी आंटी नहीं रही, वो मोटा आंटा हो गया, ठीक है भाई, जिम में मिलता हूँ। बहुत टाइम बाद में जिम में बात कर रहा हूँ, और ये नई ब्रांच है, सारे बंदे नए, और मैं अकेला ऐसे बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ा नया नया लग रहा है। हमने अभी तक 3 वार्म अप ले लिए, 70, 120 पे 3, वो बहुत इजी आया। 150 मैंने बेल्ट पहन के लिया, पता नहीं क्यों जो मैं प्रेशर बिना बेल्ट के बना रहा हूँ, मैं विद बेल्ट अच्छा नहीं बना पा रहा, बट ठीक था। मेरे पे 2 ऑप्शन है अभी,
या तो मैं 165 लूँ जो कि पक्का आ जाएगा, या मैं 5 kg का और एडअप करूँ और 170 लूँ। कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार 2 हफ्ते पहले पता नहीं कैसे इतनी स्ट्रेंथ थी कि 170 उठ गया, और उसके अगले हफ्ते फेल 2 बारी, और आज मैं लूँगा 30 ले लूँगा। इतना कुछ है नहीं है वेट जो मैं इसको प्रेशर बना रहा हूँ अपने दिमाग में। यही है द रियलिटी ऑफ गेनिंग स्ट्रेंथ या लिफ्टिंग, इज जस्ट डोंट मेक द वेट प्रेशर। देयर आर 2 ऑप्शंस, द वेट्स मूव्स यू और यू मूव्स द वेट। तुम्हें चूज करना तुम्हें क्या बनना है। प्रोबेबली आई विल मेक द वेट मूव, नॉट द वेट विल मेक मी मूव। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। एक सेट और रह रहा है, फिर बैक ऑफ लेंगे और बेंच भी करनी है अभी तो। अब मैं सारा माइंड सेट सेट करूंगा, गाने वाने सुनूंगा, अपने वो गालियां बकूंगा और उठा लूंगा, लेट्स गो। मैंने अपने दोस्त को बोला कि वीडियो बना दी, वो साला अपना फोन चलाने में लगा हुआ था, बट कोई नहीं। अब मैंने उसके बाद 120 के 5 रेप लिए, जो कि एक तरीके के लिए बैक ऑफ था। अब मैं करूंगा शोल्डर के 1 या 2 एक्सरसाइज, फिर आर्म्स करके घर पक जाएंगे। तो इसका तुम देखो सिनेमेटिक्स, गाने के साथ इंजॉय करो। टाइम बाद फेलियर पे नहीं पहुंचा मैं, कैसे देखो उधर देखते हैं। बहुत टाइम बाद तो आज जाते हैं फेलियर पे 17.5 से 12.5 तक। आज का वर्कआउट हो चुका है। इस ब्रांच की सबसे बढ़िया चीज़ पता है क्या है, यहाँ पे डे लाइट भी आती है और नेचुरल लाइट के साथ साथ जिम लाइटिंग भी बढ़िया है। तो यहाँ पोजिंग कर रहे हैं, मज़ा आता है, और डेडलिफ्ट रैक टेढ़ा नहीं है तो डेडलिफ्ट सीधी होती है, बाकी तो नॉर्मल ही है और कुछ खास है नहीं। वर्कआउट भाई, आज भाई ये चूहा ना बल्किंग कर रहा है बहुत देर से। इसने पता नहीं क्या उठा लिया मेरे रूम से गिरा हुआ, और वो चर 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 करे जा रहा है। इसकी बल्किंग अभी रोकते हैं, ठीक है भाई। ओवरऑल बहुत टाइम बाद आज मैंने वीडियो बनाई। यार मैं कंसिस्टेंट हो सकता हूँ, हो चुका हूँ और रह सकता हूँ, बट ऑडियंस का थोड़ा सीन समझ में नहीं आ रहा। आई एम कंफ्यूज भाई, तुम लोगों को क्या देखना है जिससे मेरी ग्रोथ हो, क्योंकि द अमाउंट ऑफ कॉन्टेंट आई हैव अपलोडेड टिल नाउ, अगर इतना कंटेंट कोई रैंडम बंदा ऐसी बकवास कर, मतलब ये कर रहे नाच रहे और वो फेमस बंदा पूना है भाई, वो फेमस। अब भाई मैं 6'3" हूँ भाई, मेरे को कोई फेमस नहीं कर रहा भाई, लेट्स गो भाई। ओवरऑल आज का रिकॉर्ड भाई 10 में से था 8, 170 के डेडलिफ्ट रिकॉर्ड ही नहीं हुई, लेट्स गो भाई। मेरे लिए अचीवमेंट भी हो रही है भाई कि मैंने 170 मारा, जबकि वो मैंने के 6 रेप के लिए। भाई यार ये क्या हो रहा है भाई, ये प्रैंक क्यों हुआ मेरे साथ। बट ठीक है भाई, वी आर गेटिंग बैक टू आर ओल्ड नंबर्स। अब मैं प्रोग्राम चला सकता हूँ फॉर 6 वीक्स, और
आर्म्स भाई मैंने आर्म्स वीक नहीं हुए भाई, मैंने कुछ ट्राइसेप मैं ट्रेन कर रहा हूँ ना, मेरे को ट्राइसेप वर्कआउट किया वीडियो आई थी, मेरे ट्राइसेप डोमिनेंट हो रहा भाई। हाँ मजेदार था भाई, आज मैंने शोल्डर भी ट्रेन करे, तुम देख रहे हो, मैं ऐसे कर रहा डेड लिफ्ट शोल्डर आर्म्स लेट्स गो। और इसमें एक फायदा हो रहा है कि अभी मैं एक दिन का रेस्ट ले लेके ट्रेन कर रहा हूँ, जिससे मैं जो है पावर ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ। बट मुझे लगता है मैं कल जिम जाऊंगा फॉर बैक बैक डे। ठीक है, सो हाँ रील्स वील्स भी डालेंगे भाई, बहुत बोरिंग चीज है भाई जस्ट टू टॉक। ऐसे तुम रील देख रहे हो, ठीक है, तुम रील देख रहे हो। गाइस आज है बल्किंग का डे 11 और आज मैंने किया गर्म पानी से शुरू हुआ, फिर मैं टीवी के सामने बैठ गया और मैंने 4 घंटे तक टीवी देखा और मैं जिम चले गया, जिम से आके मैंने खाए अंडे और आज के लिए यही है, कल मिलता हूँ। और तुम ये चीज इंजॉय कर रहे हो भाई, बंदा मोदी जी से मिल रहा है बाय जस्ट मेकिंग दिस लेट्स गो। यही तो कंटेंट चाहिए इनके लोगों को। ओ भाई मजेदार है भाई, ऐसी कंटेंट डालने चाहिए। नहीं तो भाई मैं भी लगा दूंगा कैमरा किधर कहीं कोने में और टिकटॉक जोन वापस ले आऊंगा, टिकटॉक एरा। हाँ भाई और कोई ऑप्शन तो लग नहीं रहा भाई, मेरे को तो भाई ऐसे ही लग रहा भाई, जिम विम कर गए तो भाई बॉडी भी नहीं बन रही, यूट्यूब पे वीडियो डाल कर यूट्यूब नहीं बन रहा, बस भाई कैमरे के सामने 10 लोग ये सोचते हो बोल क्यों रहा है, वहां पे पागल और लग रहे होंगे। बट कोई नहीं भाई, मजा आ रहा, अजीब से सपने देख रखे भाई मैंने, लेट्स गो भाई। अब मैं क्या बोलूं, तुमसे मिलता हूं मैं कल की वीडियो के साथ, क्रेटीन लेट्स गो। थैंक्स फॉर वाचिंग भाई, अगर कोई यहां तक रुका है ना तो बताओ कि भाई अगर हम क्रेटीन ना पी के भाई मैंने क्या बोला ये बताओ, अगर जो एंड जिसने एंड तक देखा है मैंने क्या बोला ये बताओ कमेंट में भाई, कोई नहीं बताएगा। अरे मम्मी आप रहने ना, आपको आपको कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।